नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। दोस्तों, 4186 जो पैनल आता है उसका आपने खूब विवरण समझ लिया। हमने आपको लगभग 4-5 वीडियो 4186 आईसी के शानदार आपको दिए, उनकी हमने आपको सीकेवी की जानकारी दी और पूरा हमने उनके वोल्टेज के विषय में आपको जानकारी दी। क्योंकि बात यहां आती है कि सीकेवी का जो पैनल होता है, ये 4186 जो आप देख रहे हैं, ये 4186 का जो पैनल, ये इतना ही बड़ा ये त्रिकोण पैनल होता है, ये इसकी सिंगल सोर्स स्कोप होती है। इसमें हम ये कैसे पहचाने कि इसकी सीकेवी लाइन खराब है? आज का वीडियो हमारा इसी पर है। और कुछ भी तो खराब हो सकता है, तो वो कैसे टेस्ट करें कि ये पता लग जाए कि सीकेवी ही खराब है? और हमें ये कैसे पता लगे कि लेफ्ट साइड की सीकेवी खराब है या राइट साइड की सीकेवी खराब है? आज दो बातों का निराकरण हम करेंगे, क्योंकि दोनों बातों का पता लगना बहुत जरूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग फुल ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। प्रश्न क्या है आज का कि कैसे पता करें कि सीकेवी खराब है, पहला प्रश्न हल होगा आज। और दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि लेफ्ट साइड का सीकेवी खराब है या राइट साइड का सीकेवी खराब। तो पहले विवरण हम ये देखते हैं कि हमारा जो सीकेवी वाला पैनल है वह सीकेवी खराब है या कोई अन्य पार्ट्स इसका खराब है। क्योंकि सीधा ये जब भी इसमें प्रॉब्लम आती है ये नो डिस्प्ले में जाता है, तो नो डिस्प्ले के एक ही कारण नहीं हो सकता। अगर एक ही कारण होता है तो हमें, जैसे कि आप समझते हैं कि सीकेवी का प्रॉब्लम इसमें आता है, लेकिन इसमें पीएफ भी तो शॉर्ट हो सकता है, कुछ भी खराब हो सकती है, आईसी भी तो खराब हो सकती है। अगर इसका एबीडीडी नहीं बने तो भी तो नो डिस्प्ले रहेगा, बीजीएच बीजीएल नहीं बने तो भी तो नो डिस्प्ले रहेगा। तो कैसे पता करें कि हमारा सीकेवी लाइन ही शॉर्ट है? और जब ये पता लग जाएगा कि सीकेवी खराब है तो फिर हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये लेफ्ट साइड की खराब है या राइट साइड की खराब है? आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं इसमें। सबसे पहले जैसा ही सेट हमारे पास आता है, हमें इस पैनल में, ये इस टाइप का आपको पैनल मिलेगा, इस पैनल में हमें, ये हमने इसका बड़ा रूप कर लिया है, इससे ही समझते हैं। इस पैनल में हमें यहां बीसीसी हमें सबसे पहले इसका चेक करेंगे, तो बीसीसी तो मिल ही रहा है इसका। बीसीसी के बाद हमें ये दो बोल्ट चेक करना होता है। इसका पॉइंट ये यहां दे रखा है और इसका पॉइंट ये यहां दे रखा है। हमने इसको बड़ा करके आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएं कि हम समझाना क्या चाहते हैं। तो हमें चेक करना है सबसे पहले बीसीसी 12 बोल्ट। तो बीसीसी 12 बोल्ट हमारा ओके है। और अब दूसरा बोल्ट कौन सा चेक करना है हमें?
बीसीसी 12 वोल्ट चेक करने के बाद हमें चेक करना है 3.3 वोल्ट। बीसीसी वोल्ट चेक करने के बाद बीसीसी 3.3 वोल्ट हमें चेक करना है, क्योंकि जब तक 3.3 वोल्ट नहीं होगा ये आईसी काम नहीं करेगी। साथ में इसमें लगी जो प्रोसेसर आईसी होती है, आप देख रहे हैं इसको, इसमें जो प्रोसेसर आईसी होती है ये काले कलर की दिख रही है, ये प्रोसेसर आईसी इसकी, ये भी काम नहीं करेगी। तो हमें चेक क्या करना है कि 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट हमारे आ रहे हैं कि नहीं। तो हमारी चेकिंग हो गई 3 वोल्ट की। 3 वोल्ट कौन से? बीसीसी 12 वोल्ट, बीसीसी हमारा 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट। ये 1.8 वोल्ट हमारा पिन नंबर 17 का इनेबल वोल्ट होता है और इस के प्रोसेसर का ये रैम सप्लाई भी 1.8 वोल्ट होती है। तो 1.8 वोल्ट हमारा जरूरी होगा। अगर 1.8 वोल्ट नहीं मिलता है तो हमें ये जो आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये ग्राउंड से ये यहाँ इसमें गई, इसके बाद इस ये इधर से आई तो इस ये इस पे और फिर ये फीडबैक, ये इसका फीडबैक है। इस फीडबैक को हम चेक करेंगे तो हमारा 1.8 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ये 2 वोल्ट आ रहे हैं, फिर भी हमारा सेट नो डिस्प्ले में है। तो अब एक चेक करने की एक प्रक्रिया होती है, उसको भी हम दोहराएंगे। यहाँ चेक करने की जो एक प्रक्रिया होती है उसको भी तब हम जाके कंफर्म ये करेंगे कि हमारा सीके भी खराब है या पैनल में और कोई प्रॉब्लम है। अब हमें क्या करना है कि मीटर की लीड उठाकर ब्लैक बोर्ड को तो हमें ग्राउंड कर देना है, ग्राउंड पे रख लेना है, जैसे कि इसका ग्राउंड ये रहा, यहां ये ग्राउंड कर लिया। अब हमें जो मीटर का रेड प्रोब होता है वो हमें एबीडीडी पर रखना है और अब हमें फिर लाइट देना है, स्टैंड बाई छुड़ाना है और स्टैंड बाई छुड़ाने के तुरंत बाद अगर इसमें बोल्ट 1 सेकंड के लिए अगर कोई भी रीडिंग इसकी बढ़ती है तो ये मान लेना कि हमारी आईसी सही है, हमारा जो 4186 आईसी है वो प्रोटेक्शन में जा रहा है। और ये प्रोटेक्शन में कब जाता है? जब सीकेबी बोल्ट शॉर्ट होते हैं, सीकेबी लाइन शॉर्ट होती है। अब इससे अगर आपके समझ में ना आए तो हाई वोल्ट वीजी एच बियॉन लिखा होता है, बियॉन उसका दूसरा नाम है, यहां चेक करेंगे। जब हम यहां चेक करेंगे यहां हम टिका के रखेंगे, ऐसा नहीं कि बाद में टिका, इतने में तो खेल ही हो जाएगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। एक ग्राउंड पे कर लिया मीटर की प्रोड और एक कर ली हमने यहां बियॉन पर। तो जैसे ही हम अब इसका इसमें करंट देंगे, स्टैंड बाई छुड़ाएंगे, वैसे ही एक झटके में इसमें 1, 2, 3 बोल्ट या 4 बोल्ट या कोई भी हरकत होती है बोल्ट संबंधित जो अभी आ रहे हैं उससे कोई भी अगर हरकत होती है और इससे इसको सबसे अच्छे नापने का अगर तरीका अगर आप समझते हो तो आपके पास पुराना जो कांटे वाला मीटर होता है उसको उससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ जाएंगे। उसको आप कंटिन्यूटी पे लगाइए और इसका स्टैंड बाई छुड़ाइए, एकदम स्पीड से कांटा भागेगा तो आप और अच्छी तरीके से इसको समझ जाएंगे। अगर ऐसा होता है, पहली बात तो ऐसा नहीं हो रहा, तो अगर नहीं होता है तो हमें करना क्या है दोस्तों? हमें जब चेक किया तो ग्राउंड से हमने प्रोड को रख दिया और वीजीएच पर हमने यहां प्रोड रखी, सेट को चालू किया, सेट ऑन हो गया हमारा, बीसीसी 12 वोल्ट आ गए हमारे और यहां कोई भी वोल्ट नहीं बना, तो हमें फिर इन पीएफओ को चेक करना
बहुत जरूरी होता है। ये पीएफ कैसे चेक होते हैं इनका हम एक वीडियो पिछले वीडियो में बना चुके हैं, पिछली क्लास में हम दे चुके हैं, आप उसको अच्छी तरह से देखेंगे तो आपके समझ में यह आ जाएगा कि पीएफ को कैसे चेक किया जाता है। अगर हमारे सारे पीएफ सही हैं और फिर भी कोई बोल्ट नहीं बन रहा है, तब जाके डिसाइड हम ये करेंगे कि हमारा और 1.8 वोल्ट बन रहा है, 3.3 वोल्ट बन रहे हैं और हमारा, तो फिर हमें शॉर्टिंग नजर आएगी, न्या लगा, एक डायोड भी शॉर्ट हो सकता है, एक ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकते हैं, तो हम शॉर्टिंग चेक करेंगे, शॉर्टिंग मिलेगी, शॉर्टिंग दूर हो गई देखेंगे। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि शॉर्टिंग हटाने के बाद हमारा यहाँ जैसे सेट चालू करते हैं और हमारा यहाँ एक झटका आता है करंट का, एक झटका हमको करंट का मिलता है कि हाँ कुछ वोल्ट बने और ड्रॉप हो गए, भले वो कितने ही हों वोल्ट बनना चाहिए, तो ये मान लेना किसी के भी लाइन इसकी शॉर्ट हो गई है। जब सी के भी लाइन इसकी शॉर्ट हो जाती है तो ना तो एबीडीडी बनता है, ना वीजीएच बनता है, ना वीजीएल बनता है, कोई भी बोल्ट इसमें नहीं बनती और सेट प्लेन रास्टर में रहता है। तो इतना चेकिंग हमारा जरूरी हो जाता है। पहली चेकिंग होगी हमारी 12 वोल्ट बीसीसी आए, 12 वोल्ट बीसीसी के बाद हम यह चेक करेंगे 1.8 वोल्ट हमारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, 3.3 वोल्ट प्रेजेंट है कि नहीं। अगर ये दोनों चेक हैं तो फिर चेकिंग होगी हमारी एबीडीडी ग्राउंड और एबीडीडी से या बीजीएच वोल्ट से, स्टैंड बाई छुड़ाने के बाद कोई बोल्ट बढ़ते हैं तो ये मान लो कि हमारा सी के वी लाइन शॉर्ट है। ये हमारी पहली जो थी वो टेस्टिंग हमारी हुई। आइए, ये हमारी सी के वी लाइन होती है और इन सी के वी लाइनों पर सभी पर हमें 8.8 वोल्ट के करीब नजर आएंगे। अब हमें जब इनकी चेकिंग करेंगे हम, तो हमको यहां ये वोल्ट नजर आएंगे, चूंकि वोल्ट तो अभी नजर आएंगे ही नहीं, तो पहले हम इनको चेक करेंगे। जब पहले हम चेक करेंगे इनको तो हमें जरूरत होगी इनके चेक करने की, यहां इस तरह ये आप देख रहे हैं, हम इनको अच्छी तरह से घिसेंगे, जरा सा पेट्रोल लगा देंगे और एक ब्लेड से थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का घिसेंगे, यानी इनकी जो पॉलिश है वो हम इनकी निकाल लेंगे। ये इस वाले ग्राउंड से और ये ग्राउंड तक ये पूरा सी के वी का विभाग होता है, सी के वी के साथ चलने वाले सारे सिस्टम होते हैं। इसी तरह हमारे इस ग्राउंड के बाद, और ये देख रहे हैं इस ग्राउंड के बाद ये सारे सिस्टम, इनको हम साफ कर लेंगे और अब हम चेक करेंगे। आप देख रहे हैं इसमें, यहां देखिए आप इसमें, जब आप ये देख रहे हैं कि दो आपको ये गुंडी, ये देखिए जॉइंट पॉइंट नजर आएंगे, ये गुंडी तो जॉइंट पॉइंट नजर आएगी, ये इसमें ये गुंडी जॉइंट पॉइंट नजर आएगी और इसमें ये गुंडी जॉइंट पॉइंट नजर आएगी। जब इस पे आपको ऐसा नजर आए तो इस ये पॉइंट ये बना, दो पॉइंट इसमें जुड़ रहे हैं, दो पॉइंट इसमें जुड़ रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट जो पहला वाला है उसके इधर वाला एक और जो दूसरा वाला है उसका इधर एक, यानी ये एक दो तीन और चार, ये दो जुड़ रहे हैं उनको एक ही गिनेंगे, ये चार लाइन हमारी सी के वी की है और जो इधर भी दो गुंडियां हैं, ये देखें आप, ये दो लाइन जुड़ रही हैं आपस में आके, यहां ये गुंडी बन गई इसकी, ये एक दो तीन चार ये इसकी हैं। जिस तरह हम अभी मार्क में आपको बताते हैं कि ये हमारी जो हमने मार्क किया है
ये इस तरह, ये दो गुंडी हमारी जुड़ी, एक ये लाइन और एक ये इधर की लाइन। इसी तरह ये दो गुंडी हमारी ये जुड़ी, इधर की एक लाइन और ये आगे वाली भी एक लाइन। ये यहाँ लाइन पहुंची नहीं, आप समझ लें पहुंच जाएगी इस यहाँ भी लाइन। तो ये हमने, ये हमारा एक दो तीन और ये चार, ये यहाँ तक हमारा पूरा सीके भी हुई। अब हमें जो हमारा पहला आता है सीके भी वन, हमारा पहला हुआ। दूसरी जो गुंडी वाला हुआ वो सीके भी टू हुआ। तीसरा जो हुआ गुंडी वाला वो हमारा क्या हुआ, सीके भी वन। और जो चौथा हुआ हमारा वो क्या हुआ, सीके भी बी टू। यानी यहां हम चेक करेंगे किस तरह, पहला क्या हुआ हमारा सीके भी वन, और दूसरा क्या हुआ सीके भी टू, तीसरा क्या हुआ सीके भी बी वन, और चौथा क्या हुआ सीके भी बी टू। अब जब हम इसे इस वाले इसको गिनेंगे तो कौन सा होगा, इस वाले को गिनेंगे सीके भी वन इसमें इधर आया, अब सीके भी वन इसमें इधर आएगा। यानी ऐसे यूं यूं तरह चलते हैं, सांप की तरह यूं सामने से सीके भी वन, सीके भी टू, सीके भी बी वन और सीके भी बी टू, तभी तो ये आपस में चलेंगे और इसमें क्रॉसिंग होगी वोल्टेजों की और तभी तो पिक्चर बनेगी। अब हमारा प्रश्न दूसरा था, पहला हमारा सॉल्व हो गया कि इसमें सीके भी का फॉल्ट है। अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है कि सीके भी इस साइड की शॉर्ट है या इस साइड की शॉर्ट है। तो हमें सीके भी वन से सीके भी बी वन को टेस्ट कर, यानी एक नंबर से तीन नंबर को और दो नंबर से चार नंबर को हमें आपस में चेक करना चाहिए। ये कोई रीडिंग नहीं बताना चाहिए, हम प्रश्न को हमारे को हमारे जवाब को दोबारा दोहराते हैं। एक नंबर की सीके भी से तीन